हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मरने वाली औरत थी कौन, नैना सबरवाल या राधिका झा? अब आगे जगदीश जी, आप लोगों के पास नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा के फोन की लास्ट लोकेशन आई मुंबई थी क्या? हमने जो फोटो भेजी थी उसे देखकर नैना के माँ बाप ने पहचाना कि वो नैना की है या नहीं? हमने जो फोन रिकॉर्ड मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकाले वो मैं अभी आपको भेज देता हूँ। बाकी नैना के माँ बाप मेरे सामने बैठे, इनके मुताबिक लड़की की उम्र, कद, रंग, बाकी सब नैना से मैच हो रहा है, पर बॉडी पर जो अंगूठी और घड़ी मिली है वो इनकी बेटी नैना की नहीं है। हो सकता है ये दोनों चीजें उसने घर से जाने के बाद ली। मुझे तो यही लग रहा है नैना सबरवाल हो सकती। सर कितनी कोशिश की नैना को ये समझाने की कि वो लड़का तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करता है, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। हम दिन रात समझा रहे थे उसे ये लड़का ठीक नहीं है, पर प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सर आशीष ने ही मारा है हमारी बेटी को। कहाँ है आशीष? मुंबई पुलिस पता कर रही, अगर आशीष ने ही नैना का खून किया है तो हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल। राजेंद्र जी, गीता जी, मुंबई पुलिस ने बॉडी को दफना दिया, अगर आप लोग पहचानेंगे तो शिनाख्त के लिए वो बॉडी को वापस निकाल। पहचानने के लिए आपको मुंबई जाना। चंडीगढ़ के नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा एक दूसरे से प्यार करते थे। नैना, वो अगर तुझे कॉलोनी से 100 मीटर दूर छोड़ेगा तो हमें इस बात की खबर नहीं होगी कि तू उस लड़के आशीष के साथ घूम रही है। जब आपको पता ही है तो उस एक ही बात पे झगड़ने की जरूरत क्या है? नैना के माता पिता आशीष और नैना के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। आशीष हैसियत और पैसे में उनसे बहुत नीचे था। ये झगड़ा, ये क्लेश नैना के लिए रोज की बात थी। जब नैना को समझ में आ गया कि उसके माता पिता इस रिश्ते को और आशीष को किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे तो नैना ने घर छोड़ने का फैसला किया। माता पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने लिखा कि वो नैना को जाने दे और उसे उसकी जिंदगी आशीष के साथ उसकी खुशी से जीने दे, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। और अपने माँ बाप की नामंजूरी और गुस्से के बावजूद नैना आशीष के साथ भाग गई। गीता, ये हमारी नैना नहीं है, हमारी नैना हो ही नहीं सकती। पर मुझे तो लग रहा है कि... मैं बोल रहा हूं ना, ये हमारी नैना नहीं है। नैना सबरवाल के माता पिता मुंबई आ रहे हैं। मैंने ग्राफी वाले को भी बोला है कि वो डेड बॉडी के चेहरे और नैना सबरवाल के चेहरे की फेशियल मैचिंग करे। हमारे पास नैना की फोटो है, फेशियल मैचिंग को 100% नहीं मान सकते। डीएनए टेस्ट से साबित हो सकता है कि वो नैना की बॉडी है या नहीं। और राधिका जा, उसका क्या हुआ? सर उसके माँ बाप आ चुके हैं, निर्मला उनसे बात करी। हमें जो डिटेल्स मिली उसके मुताबिक राधिका के फोन की लास्ट लोकेशन CST रेलवे स्टेशन थी। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। हो सकता है उसे लगा हो उसके फोन के थ्रू उस तक पहुंचा जा सकता, इसलिए मुंबई पहुंचते उसने फोन स्विच ऑफ किया हो। राधिका की घड़ी इतनी महंगी हो ही नहीं सकती, ये अंगूठी भी उसकी नहीं है, ना ही वो ऐसे कपड़े पहनती, हमने कभी उसे ऐसे कपड़े पहने हुए नहीं देखा। राधिका घर से भागी क्यों थी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। उसके भागने के 1 महीने पहले उसे देखने लड़के वाले आए थे, उसने खुद राजी खुशी शादी के लिए हाँ कही थी। उस दिन वो कितनी खुश लग रही थी, फिर पता नहीं घर छोड़कर क्यों भागी। पता किया हर जगह, सर पटना में हमारे घर के बाजू में जो दुकान थी वहां वो काम करती थी। वो अभी किसी को कुछ नहीं बताई, बस चुपचाप अपना सामान लेके निकल गई। पुलिस वाले बोले थे शायद वो मुंबई गई होगी। फिर अचानक एक दिन ये मुझे फोन ला कर दिखाने लगी और कहने लगी, देखिए ये शायद अपनी राधिका है। हमें नहीं पता वो घर से क्यों भागी होगी और ना ही हम ये जानते हैं कि उसे कौन और क्यों मारेगा। यह संजय, हमने बॉडी के अंश को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम राधिका और नैना दोनों के माँ बाप के डीएनए टेस्ट एक साथ कर सकते हैं। डॉक्टर मात्रे, राधिका के माँ बाप मुंबई आ चुके हैं, आप डीएनए सैंपल्स ले सकते हैं। कल तक नैना के माँ बाप भी आ जाएंगे। हम माँ बाप की बॉडी पहचान करने पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए डीएनए टेस्ट करवा कर रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवानी होगी ताकि हम अपनी जांच आगे बढ़ा सकें। 4 सितंबर 2019 को पुलिस को जिस अज्ञात औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब पुलिस को यह उम्मीद बंधी थी कि डीएनए टेस्ट के परिणाम से यह साफ हो जाएगा कि वो डेड बॉडी किसकी थी, नैना सबरवाल की या फिर राधिका झा की। पर उससे पहले ही इस केस की ऐसी अनगिनत परतें खुलने वाली थी जो इस केस को सुलझाने की बजाय और उलझाने वाली थी, मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने वाली थी।
किया तूने, फंसवा दिया हमें। तुझे पता है वो लोग मेरा और मेरी बीवी का डीएनए मैच करवाने वाले हैं उस डेड बॉडी से। ऐसे में तो हम... राजन जी बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा आपको। तूने कहा था कि काम पूरा हो गया पर पैसे भी हमसे पूरे ले लिए। हाँ तो काम पूरा किया है ना, मैंने पहले भी कहा था जब आपने बोला था कि वो बॉडी नैना से मिलती जुलती है। मैं आज फिर से कह रहा हूँ आपसे, आप निश्चिंत रहिए वो डेड बॉडी नैना की नहीं है। एक बात बता, तूने उसे मार के कहाँ फेंका? ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, मेरा काम था मैंने अच्छे से कर दिया। आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको। शीला जी पहले आप आ जाइए। आपको मेरा डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा। रमाकांत जी दोनों का ही सैंपल लेना पड़ेगा। इनका लेने का मतलब नहीं है क्योंकि ये राधिका की सगी माँ नहीं है। राधिका की माँ गुजरने के बाद मैंने इनसे शादी की थी। अच्छा ठीक है फिर आप आइए। शब्बीर ये फोटो देख ले, बाकी डिटेल मैं तेरे को तेरे मोबाइल में भेज रहा हूँ। लड़की का नाम राधिका झा है, इसका लास्ट लोकेशन वीटी है। बोले तो अब आगे किधर भी जा सकता है, समझा ना? तो अपने लड़के लोगों को ना वीटी से बैंडर तक पूरा काम पे लगा। उस्मान तू भी देख ले, ये नैना सबरवाल है और आशीष मिश्रा, दोनों का लास्ट लोकेशन गोरेगांव है। गोरेगांव तब तो भाऊ एज लेडीज होगी जिसका बॉडी पुलिस को मिला है। वो डीएनए से कन्फर्म होगा उस्मान, अभी तो तू वो कर जो अपन लोग हमेशा करते हैं। लोग पक्का ना किसी सस्ता लॉज में छुपा होगा जिधर सीसीटीवी नहीं होगा। चल लग जा अभी काम पे। ठीक है बाबू। सर नैना और आशीष के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने मुंबई में किसी से कांटेक्ट नहीं किया और उन दोनों के फोन यही मुंबई में स्विच ऑफ हुए। हो सकता है दोनों ने जानबूझकर ऐसा किया, दोनों घर से भागकर मुंबई आए थे इसलिए अपने फोन बंद किए होंगे और जो भी फोन करना होगा वो पीसीओ या एसटीडी से किया होगा, क्योंकि दोनों इतना तो जानते थे कि नैना के फादर दोनों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। हो सकता है सर, चंडीगढ़ पुलिस को भी नैना के पिता पर शक है। सर राधिका के केस में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, राधिका की माँ शीला उसकी असली माँ नहीं है, सौतेली माँ है। राधिका पहले खुशी खुशी शादी के लिए हाँ करती है, उसके बाद भागकर मुंबई चली आती है और बैकग्राउंड में कोई लव एंगल प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने पटना पुलिस से कहकर उसके फैमिली मेंबर और जिस लड़के से उसकी शादी तय थी या नितिन, उन दोनों की छानबीन करने बोला। मैं उनके ही अपडेट का वेट कर रही हूँ। सर पटना पुलिस का ही फोन। नमस्ते सर। निर्मला आपका शक बिल्कुल सही था, गड़बड़ सौतेली माँ के तरफ से। नितिन चल अब पूरी कहानी सुना हुए, पर अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी कहानी आधे में खत्म हो जाएगी। तो सच कह रहा हूं। लड़के और उसके माँ बाप के नाम पर पूरी फैमिली फर्जी थी जो राधिका को देखने आए थे। जब हमने लड़के नितिन और उसकी नकली माँ बाप को तोड़ा तो पता चला कि जो नितिन की फैमिली होने का नाटक कर रहे थे असल में वो लड़कियों के दलाल हैं। तो सर राधिका घर से भागी नहीं थी, उसके माँ बाप ने उसको इनके हाथों बेच दिया था। निर्मला हमने उन तीनों की खूब धुलाई की पर अभी वो यही कह रहे हैं कि वो खुद भागी है। इनका प्लान तो शादी के बाद बेचकर उसे धंधे पर लगाने का था। राजन तुम कहना चाहते हो कि शादी के नाम पर राधिका के माँ बाप उसे बेचना चाहते थे? नहीं सर, सिर्फ माँ बेचना चाहती थी, राधिका की सौतेली माँ। मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे? शीला क्या ये कह रही वो सच है? बोल झूठ है, इतना तोड़ूंगी तुझे कि तू बोलेगी तेरा नाम शीला है ही नहीं। शीला शादी के नाम पर तुम मेरी बेटी को बेच रही थी? चल बोल, नितिन और उसके दलाल पार्टनर को नहीं बेचा तो किसने उनसे ज्यादा कीमत दी? राधिका को किसे बेचा? इसे बेचा या इसे? राधिका जा की कहानी तो समझ में आ गई, उसकी सौतेली माँ से बेचना चाहती थी इसलिए वो घर से भागी। सर भाग गई या फिर उसकी माँ ने अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में उसे कहीं गायब कर दिया? सर हो सकता है इसमें आसिफ मोहम्मद का हाथ, उसने राधिका को खरीदा हो और जब राधिका ने धंधा करने से मना कर दिया तो उसे मारकर फेंक दिया। आरे के जंगलों में मिली लाश शायद राधिका झाकी ही हो। 3 सितंबर को उसने मारा सबीना को और फिर 4 को राधिका को, और सबीना की तरह राधिका को मारकर उसका भी चेहरा बिगाड़ दिया हो और फिर आरे के जंगलों में दूसरे छोर पर उसकी बॉडी को फेंक दी और यहाँ हमें घुमा रहा है। इन दोनों में से तुमने राधिका को किसे बेचा था? नहीं सर, मैंने राधिका को किसी को भी नहीं बेचा। मैं मानती हूँ कि शादी के नाम पर मैं राधिका को नितिन और उसके साथियों को बेचना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके पहले ही राधिका घर छोड़ के भाग गई थी। आसिफ, सबीना के बाद तूने जिस लड़की को मारा और जिसका चेहरा कुचलकर आरे के जंगल में फेंक दिया वो यही है ना राधिका झा? साहब मैं इस लड़की की शक्ल पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ।
मैंने सिर्फ सबीना को मारा है साहब। अब सबीना इसको कहां से लाई होगी, इसके साथ क्या किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता हूं साहब। कसम से मैंने सबीना के अलावा किसी को नहीं मारा। तेरा एक मर्डर सबके सामने आ चुका है सबीना का, और दूसरा हमारे सामने आया राधिका झा का। अगर घूम फिर के हमें पता चला कि दूसरा मर्डर भी तूने किया है तो याद रखना एक तीसरा मर्डर होगा, और जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वो मर्डर तेरा होगा। तूने मेरी बेटी को भेजा क्यों? अरे कैसी बात, तू क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्यों क्या? शांत हो जाइए, ये मत भूलिए ही पुलिस स्टेशन है। इस औरत पे मैंने कभी शक नहीं किया कि ये सौतेली माँ है तो मेरी बेटी का बुरा चाहेगी। अरे तब भी शक नहीं किया जब इसने राधिका के लिए रिश्ता लाई थी, तब भी नहीं। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने राधिका को नहीं बेचा, वो खुद घर छोड़कर भाग गई है। अब तू चीख चीख के बोलेगी तभी तेरा जुर्म कम नहीं होगा। अब तू जेल में बैठ के नोट गिर। गोविंद, हमें आर्य से जिस अज्ञात औरत की राश मिली बहुत मेहनत के बाद एक दिशा मिली, वो औरत राधिका जा सकती है। अब तो बेकार में कोई बंसर मत फेंकना। आप इस बार सॉलिड खबर ला, आप सुन तो लीजिए एक बार। और अब वो नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा जिस गोरेगांव के लॉज में ठहरे थे वहां से 3 सितंबर की रात 11:30 बजे बहुत ही हड़बड़ी में निकले, और सर आपको लाश मिली है 4 सितंबर की सुबह 8 बजे। अब आप बोलिए साहब, 3 सितंबर की रात 4 तारीख की सुबह। साहब मेरे को तो लगता है ये बिना पहचान वाली औरत की बॉडी ना नैना सबरवाल की है। हाँ सर, मैंने बताया था कि वो दोनों लड़का और लड़की मेरे ही लॉज में ठहरे। ये उन दोनों की आइडेंटिटी कार्ड की जेरोक्स कॉपीज है जो उन्होंने रूम लेते वक्त दी थी। सर उन दोनों ने 2 सितंबर की सुबह चेक इन किया था और 3 दिन के लिए रूम बुक किया था। बोल रहे थे गणपति विसर्जन देखने के लिए मुंबई आए, पर पता नहीं क्या हुआ अचानक 3 तारीख की रात हड़बड़ी में चेकआउट करके निकल गए। सर आपकी तो 5 तारीख तक की बुकिंग है। हाँ मुझे पता है, पर कुछ जरूरी काम आ गया था तो हमें निकलना पड़ रहा है, और हमें हमारे 1 दिन के बुकिंग के पैसे भी वापस चाहिए। सॉरी मैम, पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, आपकी बुकिंग हो चुकी है, आपकी वजह से मैंने रूम किसी और को नहीं दिया। देखिए हम समझते हैं, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा वरना। प्लीज सर कर दीजिए, हमें बहुत जरूरत है वरना हम बोलते ही नहीं। क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और पैसे आप रखिए। चलो सुनिए तो, अरे बताइए तो सही, आप बहुत हड़बड़ी में थे, कुछ तो परेशानी थी। कुछ बताया यहाँ के बाद वो कहाँ जाने वाले थे? अरे कहाँ सर, वो लोग तो ऐसे भागे जैसे उनके पीछे भूत पड़ा हो। साहब पक्का बॉडी नैना का ही है, वरना आप ही बोलो इतनी रात में हड़बड़ा के क्यों निकले, कोई पीछे पड़ा होगा तभी ना, और उन लोगों को पता चला निकल लिया उधर से, लेकिन उसने पकड़ा और मार के इधर फेंक दिया। और आशीष वो कहाँ? उसको कहीं मार के फेंक दिया होगा साहब, और मैं तो बोलता पक्का उसको मुंबई के बाहर मारा, तभी तो उसका बॉडी इधर नहीं मिल रहा है। बन गई तेरी थ्योरी, तहकीकात भी पूरी होगी, केस सॉल्व है ना? अभी कहाँ साहब, अभी तो आशीष को भी ढूंढ के निकालेंगे। हाँ कुलकर्णी, अब ये मत बोलना कि नैना और राधिका के अलावा कोई और भी मिसिंग निकला। नहीं सर, और कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सर वो राकेश अग्रवाल लखनऊ वाला वो हमारे पुलिस स्टेशन आया हुआ है। राकेश अग्रवाल वो जेफसन वॉच वाला रॉन्ग नंबर वो आया है? हाँ वही सर, खुद सामने से चलकर पुलिस स्टेशन आया है, और सर उसके साथ एक लड़की है जो उसकी बीवी प्रिया अग्रवाल नहीं है, जिसे हमने वीडियो कॉल में देखा था राकेश के साथ। तुम कह रहे हो कि राकेश अग्रवाल आया और उसके साथ जो लड़की है प्रिया अग्रवाल वो उसकी बीवी नहीं है, तो फिर कौन है? कौन थी वो जिसे इंक्वायरी के इतने दिनों के बाद राकेश अग्रवाल अपने साथ मुंबई पुलिस के पास लेकर आया था? राकेश अग्रवाल ने अपनी बीवी प्रिया अग्रवाल के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए जेप्सन वॉच जुबली प्राइम एडिशन की घड़ी खरीदी थी। इस जेप्सन वॉच का आरे में मिली अज्ञात औरत की लाश के केस में आखिर क्या रोल था? तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है? की है क्या? राकेश अग्रवाल खुद VS पुलिस स्टेशन पहुंचा था अपने कुछ राज खोलने के लिए। आखिर वो पहले ऐसा क्या छुपा रहा था जिसके लिए उसे लखनऊ से मुंबई आना पड़ा? इसके साथ साथ इसी समय इस केस से संबंधित एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आने वाली थी। सर राकेश ने बताया कि उसने उस दिन एक नहीं बल्कि 2 घड़ियां खरीदी और दोनों के बिल अलग अलग बनवाए थे। सर ये जानवी है, वो दूसरी घड़ी मैंने इसी के लिए खरीदी थी, और यही बात बताने के लिए हम लखनऊ से मुंबई आए। सर मेरी वाइफ को डाउट हो गया और इसीलिए वो मुझ पर नजर रख रही है, मैं कब कहाँ कितना खर्च कर रहा हूँ सब कुछ। पॉइंट पे आइए मिस्टर अग्रवाल। सर यही तो पॉइंट है, असल बात है कि मेरा और जानवी का वो अफेयर है। आगे बोलिए। सर मैं सही सलामत हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ये सर देखिए मेरी घड़ी मेरे पास। सर मैं भी यही बताना चाह रहा था।
सर पता चला है कि कल वहां पर पुलिस ने और कुछ खोद निकाला। अगर आप लोगों ने कुछ अलग एंगल निकाला तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी सर। अब तुम हमें खुद आकर सामने से ये बता रहे हो कि तुम्हारा अफेयर है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुमने दो घड़ियां खरीदी, क्या भरोसा? हो सकता है तुमने तीन घड़ियां खरीदी। जो सच है वो सामने से आकर बता रहा हूँ, ना झूठ बोल रहा हूँ ना ही कुछ छुपा रहा हूँ सर। ठीक है, आप दोनों जा सकते। थैंक यू सर। कुलकर्णी, पहले सबीना आई, अब केस राधिका और नैना के बीच में अटक रहा। ऐसा लग रहा है कि इस केस की हांडी ऊपर तो चढ़ गई पर गलने का नाम नहीं ले रही। सर फॉरेंसिक लैब से बात की मैंने डीएनए रिपोर्ट के लिए, उन्हें एक हफ्ते का और टाइम चाहिए। कुलकर्णी, और कितना वक्त चाहिए? 22 दिन हो गए, अब कब तक भटकते रहेंगे इस केस में लेफ्ट राइट? सर आपका फोन स्विच ऑफ है क्या? अरे बैटरी खत्म हो गई। क्या हुआ? सर लैंडलाइन पे आपके लिए दो बार कॉल आ चुका है, सहराबाद से किसी कांस्टेबल चंद्रचूर मोड़क आपसे बात करना चाहता है। सर उसने बताया कि वो आपको सहराबाद के किसी केस की वजह से जानता है। सहराबाद चंद्रचूर मोड़क। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर याद आया मैं कौन हूँ? 8 महीने पहले आप सहराबाद आए थे, तब मैंने आपको। हाँ चंद्रचूर, याद हो, अच्छी तरह से याद हो। अच्छा निर्मला बता रही थी कि तुम हमारे केस के बारे में कुछ जानते हो। सर अभी कुछ दिन पहले मैं एक काम से भोपाल गया था, वहाँ मेरा एक दोस्त मिला, वो भी पुलिस में ही है, उसी ने मुझे मुंबई के इस अज्ञात औरत वाले केस के बारे में बताया। सर मुझे पूरा यकीन है, इस औरत की फोटो और डिटेल्स आपने हमें भी भेजी होंगी। पूरे उत्तर भारत में भेजी है, तुम्हारे पास कुछ जानकारी है क्या? जी सर, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आप हमारे सीनियर इंस्पेक्टर परिमल जी को मत बताना। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। सर यहाँ सहराबाद में एक लड़का है अनुराग शर्मा, वो बेचारा पिछले 3 हफ्तों से रोज यहाँ परिमल साहब के चक्कर काट रहा है। वो शायद पहली बार यहाँ 5 सितंबर को आया था अपनी बीवी ज्योति शर्मा की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। सर मेरी वाइफ ज्योति, कुछ पता चला उसका? ज्योति? ज्योति सर, ज्योति शर्मा। आज 7 तारीख है सर, 3 दिन हो गए अब तक लौटी नहीं मुंबई से। ज्योति, हाँ याद आया, तुमने बताया था इसके बारे में, ये अक्सर दूसरे शहरों में ट्रैवलिंग के लिए जाती है, काफी घुमा करती है। बिल्कुल, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इनको, और जैसे कोई खबर मिलती है आपको इन्फॉर्म कर। सर वो लड़का लगभग रोज अपनी बीवी का पता करने पुलिस स्टेशन आता है। सर वो अपनी बीवी को ढूंढने मुंबई भी गया था पर वहां भी कुछ पता नहीं चला। ज्योति शर्मा? जी सर। सर एक दिन अचानक इस अनुराग को देखकर मुझे लगा कि आप एक बॉडी की पहचान ढूंढ रहे हैं और ये अपनी बीवी, और सर दोनों ही नहीं मिल रहे। तुम मुझे इस ज्योति की फोटो और उसके पति का फोन नंबर भेजो। वैसे हमारे पास ऑलरेडी 2 लड़कियों के मिसिंग केसेस हैं, उनकी डिटेल्स भी काफी मिलती जुलती, बट फिर भी तुम भेजो, मैं देखता हूँ। एक सुराग नहीं मिलना था हमें विक्टिम की पहचान पता करने, लेकिन अब देखो 3-3 औरतें हमारे सामने। जब पुलिस को यकीन होने लगा कि अज्ञात औरत का शव पटना की राधिका झा का है, तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिससे उस शव के नैना सबरवाल होने की संभावना बढ़ने लगी। पुलिस पहले से ही दुविधा में थी, और तब उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं जब सहराबाद की ज्योति शर्मा का केस भी सामने आ गया। वो डेड बॉडी आखिर इन तीनों में से किसकी थी? इससे भी अहम यह था कि अगर ये डेड बॉडी इन तीनों में से किसी एक की है तो बाकी की 2 लड़कियां कहां हैं, और अगर ये शव इन तीनों औरतों में से किसी का नहीं है तो फिर किसका? मुंबई के हिस्ट्री शीटर अमर फुलवाड़े को नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा की सुपारी दी गई थी, जो उन्हें मारने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहा था। वो अब पुलिस की गिरफ्त में था। अमर फुलवाड़े के जरिए पुलिस चंडीगढ़ के कबीर तक पहुंची, जो इस जुर्म का मास्टरमाइंड था, और आखिरकार नैना सबरवाल के पिता द्वारा रची गई साजिश सामने आने वाली। ठीक उसी समय अज्ञात औरत के शव की शिनाख्त करने के लिए ज्योति शर्मा का पति अनुराग शर्मा मुंबई पहुंचा। साहब नैना और आशीष का फोटो था मेरे पास, मैं उनका पीछा कर रहा था। मैंने ये भी पता कर लिया था कि गोरेगांव के एक लॉज में दोनों छुपे हुए। तूने आशीष मिश्रा को कहां मारा बोल? अब मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूं आपसे, मेरा विश्वास करिए। था नहीं मारा तो कहां गए? 5 सितंबर को उन दोनों का मारने का सॉलिड प्लान भी बना लिया था मैंने, पर मालूम हुआ कि 4 के वो लोग वहां से कहीं निकल गए। नैना और आशीष वो अमर को बेवकूफ बना के मुंबई से पता नहीं कहां चले गए। मैं और मेरा पूरा टीम अक्खा पूना नासिक सब जगह घूम के देखा, पर किधर भी नहीं मिले साहब। फिर मैंने कबीर को फोन करके बता दिया। तुझे और अमर को जितना झूठ बोलना है बोल, एक बार डीएनए रिपोर्ट आ गई सब सामने आ जाएगा। और नैना के बाप को भी खूब तोड़ा है, उसने कबूल कर लिया है, उसने तुझे पूरे पैसे, जब तूने उसे बताया कि तूने नैना को मार दिया है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, नैना के बाप से झूठ बोला, क्योंकि वो लोग मुझे मिल ही नहीं रहे थे कहीं।
पता नहीं साले दोनों कहां चले गए, मिल ही नहीं रहे और शायद मिलेंगे भी नहीं। मिलेंगे नहीं तो बोल दो उसके बाप को मार दिया, वो साला कौन सा ढूंढने जाएगा और अपना पैसा भी मिल जाएगा। सर मैंने राजेंद्र जी को झूठ बोला कि हमने उन दोनों को मार दिया, पर हमने किसी को नहीं मारा था, इसलिए हमने उनको गारंटी भी दी कि डीएनए रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मैच होगा। सर मुंबई का एसोसिएटर अमर और चंडीगढ़ का कबीर दोनों एक ही सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। दोनों की अच्छे से धुलाई करो, कम से कम इतना तो पता चले कि राजेंद्र ने अपनी बेटी की सुपारी दी थी, बाकी डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा, फिर देखते हैं दोनों एक ही सुर में सच बोलते हैं या झूठ। ज्योति शर्मा के हस्बैंड अनुराग शर्मा ने सारा सामान पहचान लिया, उसका ये कहना है कि सारा सामान ज्योति का ही है। सर ये ज्योति ही है, ये कपड़े, ये सैंडल ज्योति का है, ये घड़ी, ये अंगूठी, ये सब ज्योति का ही है सर। ये मेरी बीवी ज्योति है। अनुराग जी आज 25 दिन हो, पूरे 25 दिन, इन 25 दिनों में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपनी पत्नी को यहां के ढूंढना चाहिए था? सर पिछले 25 दिनों से मैं हर रोज इंस्पेक्टर परिमल के पास जा रहा हूं, मुंबई भी आया, मैं उस कंपनी में भी गया जहां ज्योति ने 3 सितंबर को आखिरी मीटिंग की थी, यहां तक कि बोरीवली के उस होटल में भी गया जहां पर ज्योति रुकी थी और 4 सितंबर की सुबह चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए निकली है। ये सारी डिटेल्स मैंने खुद निकाली है सर, इंस्पेक्टर परिमल को हाथ में दिए, उसे रिक्वेस्ट किया सर प्लीज कुछ कीजिए, पर वो बस कहते रहे हम ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे थे वो, और अब उल्टा मुझे कह रहे कि मैं ज्योति की परवाह नहीं करता, मैं उसे नहीं ढूंढ रहा था। अच्छा ये मेरी गलती है क्या कि अनुराग मुंबई गया, वहां पर इतना सब कुछ पता किया पर किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गया? इंस्पेक्टर संजय मैं जूनियर नहीं हूं, आपका और मेरा ओहदा सेम है, तो जरा अपना लहजा संभाल के बात कीजिए। जरूर संभाल के करता। अगर आपने अपनी ड्यूटी संभल के की होती, अगर आपने जरा सी मेहनत की होती ना, तो ज्योति के फोन रिकॉर्ड से आपको सारी डिटेल मिल जाती। हाँ तो अब तो आपको डिटेल्स मिल गई होंगी या भी नहीं मिली? 24 दिन इंस्पेक्टर परिमल 24 दिन एक औरत की लाश बिना पहचान के सड़ती रही, अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता तो 24 दिन नहीं लगते। एटलीस्ट एक पति अपनी पत्नी का क्रियाक्रम तो ठीक से कर पाता। लड़की मुंबई में गायब हुई थी, मैंने उसके पति को 1000 बार समझाया, ये केस मुंबई में उस एरिया की पुलिस के पास जाएगा जहां से लड़की गायब हुई है। एरिया मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन का होता, बॉडी के ऊपर जो सामान मिला था अनुराग ने देखते ही पहचान लिया कि ज्योति का है। ये पहचान 24 दिन पहले भी हो सकती थी। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप, मुझे क्या सपना आएगा कि उसका मर्डर हुआ है? किसी के साथ भाग भी तो सकती है उसे छोड़कर। लापरवाही, सिर्फ लापरवाही। अनुराग जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। अब हमारे पास ज्योति की डिटेल्स हैं, ज्योति के साथ इंसाफ होगा। यस सर, ये लेडी हमारे होटल में ठहरी थी, इनके पति भी इनके बारे में पता करने आए थे, लेकिन सर ये 4 सितंबर की सुबह यहां से चेकआउट कर गई। आइए मैं आपको दिखा, ये देखिए रजिस्टर, 2 सितंबर दोपहर 2 बजे चेक इन किया था और 2 दिन के रूम बुक किया था। मिस्टर ऋषि मुझे आपके होटल के 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ज्योति शर्मा, इनके हस्बैंड का भी हमें कई बार फोन आया इनके बारे में पूछने के लिए। 3 सितंबर को क्या आप इससे मिली थी? हाँ, उस दिन हम लोग सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक यहीं थे, मैं, ज्योति और हमारा डिजाइन कंसल्टेंट चेतन। उस दिन हम लोगों ने न्यू ईयर फैशन वीक के कलेक्शन को लेके काफी डिस्कशन किया था। हम लोग न्यू डिजाइन्स पर डिस्कस कर रहे थे, ज्योति के कुछ डिजाइन्स बहुत अच्छे थे और कुछ को मॉडिफाई करने की जरूरत थी। ज्योति, आई लाइक दिस वन, दिस इज फैंटास्टिक। हमने बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कस किया, डिजाइन, मार्केट ट्रेंड्स,
इवन स्ट्रेटजीज ऑल्सो। ज्योति डिजाइन्स मॉडिफाई करके 3 महीने बाद वापस आने वाली थी, पर कितना अजीब लग रहा है ये सोचकर कि वो वापस घर पहुंचे ही नहीं। वो आपके साथ रेगुलर काम करती थी, अक्सर आती जाती रहती थी? यस शी डिड, एवरी क्वार्टरली में एक बार आती ही थी नेक्स्ट सीजन का फ्रेश कलेक्शन लेके। और इसके बावजूद भी इतने दिनों तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां गई थी? वी स्पोक टू हर हस्बैंड और हमने भी उसे कई बार कॉल किया और चेतन ने भी उसे बैक टू बैक कई बार ईमेल्स किए, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। चेतन गुप्ता कहां है? ही इज अ कंसल्टेंट, जब उनकी जरूरत होती है वो तभी आते हैं, ही इज नॉट आवर रेगुलर एम्प्लॉई। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मिस्टर चेतन गुप्ता, आपके बिलीव ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योति इज डेड नाउ, वो 24 दिन पहले ही मर चुकी है। फिलहाल आप ये कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। हमें आपके साथ हुई उसकी लास्ट मीटिंग, ऑफिस से होटल की जर्नी और होटल से एयरपोर्ट जाने वाली जर्नी, जहां वो फ्लाइट लेने वाली, उनके बारे में बात करनी। ज्योति, तुम्हारा विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा है। I really like your designs. Thanks यार, but अब बहुत काम बचा है। So तुम कल जा रही हो या फिर कोई और क्लाइंट मीटिंग लाइन अप है? अब बस घर जाना है, एक हफ्ते से बाहर हूँ, घर जाके 2 दिन रेस्ट करूंगी फिर काम शुरू। सर 2 दिन में होटल में उससे कोई मिलने नहीं आया, और इन 2 दिनों में ज्योति ने डियर डिजाइनर कंपनी के ओनर रिचा और उनके कंसल्टेंट चेतन गुप्ता, जिन्हें ज्योति अपने डिजाइन सप्लाई करती थी, इन दोनों के अलावा किसी से बात नहीं की। ताज्जुब की बात है, सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है कि आपकी बीवी ने 4 सितंबर की सुबह 3:30 बजे होटल से चेकआउट किया, पर एयरपोर्ट जाने के लिए उन्होंने क्या और कहां से ट्रांसपोर्ट लिया था ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ज्योति ने बिल का पेमेंट पहले ही कर दिया था और वो सिर्फ रूम की चाबी दे रही है। हमने होटल के स्टाफ से ही बात की, ज्योति ने एयरपोर्ट जाने के लिए वहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मंगवाई, टैक्सी ऑटो कुछ भी नहीं। सर वो टैक्सी बुक करने के लिए हमेशा स्पीड अप कैब यूज करती थी। वो देखा हमने, लेकिन ये जो रेंटल कैब होती है आपको आपकी पिकअप लोकेशन से पिक करती है और ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करती है। अगर ज्योति ने कैब बुक की थी तो ज्योति को पिक करने के लिए होटल के गेट तक तो आते। हाँ, क्योंकि एक दिन पहले 3 सितंबर को ज्योति ने जो कैब बुक की थी उसका ड्रॉप लोकेशन होटल का एंट्रेंस था, जो कि सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है। ये देखिए, आप कह रहे हैं कि ज्योति हमेशा स्पीड अप कैब से कैब बुक करती थी, तो शायद उसका बिल भी स्पीड अप कैब मनी से देती होगी, कैश नहीं देती होगी। और अगर एयरपोर्ट जाने के लिए कोई कैब बुक की होगी, कैश नहीं दिया होगा। लेकिन 4 सितंबर को ज्योति ने कोई कैब बुक की नहीं, वो होटल से पैदल ही बाहर निकल गई, शायद कोई एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाला। ज्योति ने आपको कुछ बताया था इस बारे में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। 3 तारीख की रात को जब बात हुई थी तो बस इतना कहा कि 4 की सुबह 6:25 की फ्लाइट है सहराबाद के लिए, बस। सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये पता चला है कि ज्योति शर्मा ने 4 सितंबर को अपनी फ्लाइट मिस की। स्पीड अप कैब सर्विस से रिकॉर्ड मिला? यस सर, 3 सितंबर को सुबह 8 बजे मीटिंग के लिए ज्योति ने बोरीवली ईस्ट से अंधेरी ईस्ट डीआर डिजाइंस के लिए कैब बुक की। कैब ड्राइवर का नाम था राजेश तिवारी। 3 सितंबर की शाम को ही 5:25 पर ज्योति ने कैब बुक की थी अंधेरी ईस्ट से बोरीवली ईस्ट अपने होटल के लिए। कैब ड्राइवर का नाम था अजय देशमान। स्पीड अप कैब सर्विसेज के ऑनलाइन ऑपरेशनल टीम ने हमें बताया कि ज्योति हमेशा से उनके सर्विसेज यूज करती थी, लेकिन 4 सितंबर को उसके अकाउंट से कोई भी कैब बुक नहीं हुई। मतलब पक्का उसे कोई एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाला। अनुराग, मैं आपसे सीधा पूछता हूं, क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपकी बीवी ज्योति का कहीं कोई अफेयर चल रहा था? सर पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चेतन गुप्ता, इसे तो जानती हो आप, आपकी बीवी 3 सितंबर को होटल लौटते वक्त उसे उसके घर गोरेगांव में ड्रॉप करके गई, ये पता था आपको? सर चेतन का तो पता नहीं, पर अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे सर,
हमारी लव मैरिज हुई थी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम खुश थे एक दूसरे के साथ, लॉयल थे ना कि सर। राग, उस रात होटल में जिस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी उससे भी बात की हमने, उसका भी यही कहना था कि वो किसी जानने वाले के साथ ही गई थी। सर मैंने उन मैडम को जाते हुए देखा था, मैंने उनसे पूछा भी कि मैं उनके लिए कोई ऑटो या टैक्सी बुलाऊं। अरे मैडम, आपके लिए मैं कोई ऑटो या टैक्सी बुला दूं? जी नहीं थैंक यू, मैंने किसी को बुला लिया। सर वो इधर से मेन रोड की तरफ गई थी, लेकिन सर मुझे नहीं मालूम कि उनको लेने कौन आया था और वो किसके साथ यहाँ से। ज्योति के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक उसने कोई कैब बुक भी नहीं की। सर मेरी ज्योति उन लोगों में से है ही नहीं जो किसी के साथ भी चली जाए, और चेतन से तो मैंने खुद इतनी दफा बात की है ज्योति के गायब होने के बाद, उसका हर बार यही कहना था कि ज्योति से आखिरी बार वो 3 सितंबर को ही मिला है। हाँ सर मैंने उसे आखिरी बार 3 सितंबर को ही देखा था। तो उस दिन आपने ज्योति से लिफ्ट क्यों ली? आपके पास तो अपनी गाड़ी है ना? सर एक्चुअली उस दिन गणपति विसर्जन था 1.5 दिन का, बहुत ट्रैफिक होता है सर, तो उसे अवॉइड करने के लिए मैंने रिक्शा लिया ऑफिस के लिए। तो सुबह जाते वक्त आपने ज्योति से लिफ्ट नहीं ली? नहीं सर मैंने बस वापस आते हुए लिफ्ट ली थी उससे। सर मैंने ज्योति को ऑफर नहीं किया था, और मैंने ज्योति ने मुझसे कहा था कि मैं उसे एयरपोर्ट पे छोड़ दूं। वैसे भी सर ज्योति फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए मुंबई नहीं आई थी, वो अक्सर आती रहती है और अपना ट्रांसपोर्ट वो खुद मैनेज करती है। देखो हमें इतना तो पता है कि जो मारेगी वो ज्योति है, हम सब कुछ चेक करेंगे, उसके कॉल्स, SMS, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स, ईमेल, सब कुछ। तो बॉस अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे तो गलत लग रहा है। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं सर? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्योति वॉज लाइक मतलब हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं सर, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। उस दिन उस औरत के साथ ये आदमी था जब तूने उसे बोरीवली से अंधेरी में छोड़ा था? नहीं साहब ये नहीं था, वो तो अकेली थी और पूरे टाइम मोबाइल पे बिजी थी साहब। मैंने उन्हें बोरीवली में होटल के बाहर से पिक किया था और अंधेरी ईस्ट में छोड़ा था, रास्ते में बीच में कहीं भी नहीं रुके थे। वो पूरे टाइम मोबाइल पे थे? जी सर। मुझे कैसे पता, बुड़बुड़ के देख रहा था तू? नहीं नहीं साहब, वो एक आध बार मिरर में देखा ना तो पता चला। गाड़ी चलाते वक्त मिरर में देखता रहता है पीछे कौन क्या कर रहा है? नहीं नहीं साहब, पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं ये देखने के लिए नजर जाती है ना साहब, उसी में देखा था। हाँ साहब यही साहब थे उस दिन मैडम के साथ, इनको गोरेगांव दिंडोशी सिग्नल के पास एक सोसाइटी के बाहर छोड़ा था मैंने। इनके लिए तो मैडम ने खास बोला था फ्लाईओवर से गाड़ी मत लेना, इनको रास्ते में छोड़ना था। फिर क्या साहब, मैडम को बोरीवली इस होटल के पास छोड़ा और वहां से मैं निकल गया। तो मारा क्यों तुमने उसे? अब आप क्या बात करें, मैं क्यों मारूंगा मैडम को? तूने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? मुझे क्या मालूम साहब, मैं तो मैडम को होटल पे छोड़ के वहां से निकल गया था। आप चाहिए तो स्पीड अप कैब के बुकिंग ऑफिस से पता कर लो, मैं वहां रुका तक नहीं था साहब। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है सर और ज्योति से मेरा कोई अफेयर नहीं है, अगर अफेयर होता भी तो मैं उसे क्यों मारूंगा? तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने ज्योति को नहीं मारा? हाँ सर मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपसे कि मैंने ज्योति को नहीं मारा। DNA रिपोर्ट से भी यही साबित हुआ कि वो बॉडी राधिका झा और नैना सबरवाल में से किसी की नहीं थी। हाँ जगदीश, नैना और आशीष का कुछ पता नहीं चला है, हम इस केस पर एक दूसरी टीम लगा रहे हैं। नहीं नहीं अब उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें नैना की चिट्ठी मिली, उसने लिखा है कि उसने और आशीष ने शादी कर ली, अब वो बिल्कुल ठीक है, और एक रिक्वेस्ट भी की कि है हम किसी को ना बताएं कि वो अब कहां है। चलो अच्छा है, आपका केस तो अच्छे नोट पे क्लोज हुआ। और आपका? अच्छे नोट पे तो नहीं, पर अब हमें पता चल गया कि वो डेड बॉडी किसकी थी, ज्योति शर्मा नाम था उसका। अब हमें उसके कातिल और कत्ल के मकसद का पता लगा। ज्योति का कत्ल और उसके कत्ल का मकसद बेहद चौंकाने वाला था, और इस केस में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ने वाली थी उसमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं आने वाला था। पर सबसे दुखद बात यह थी कि ज्योति ने एक ऐसी गलती, एक ऐसी लापरवाही की थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस गलती के बारे में उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता था, सब इससे अनजान। साहब आप यहां? तेरे स्पीड अप कैब से पता किया हमने, उन्होंने बताया कि 4 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक। तूने कोई बुकिंग नहीं ली थी? हाँ साहब नहीं लिया होगा, वो तबीयत ठीक नहीं रहती तो नहीं लेता बुकिंग साहब। उस दिन तबीयत खराब थी तेरी? हाँ साहब। तो फिर तू पूरे दिन घर पे ही रहा होगा? हाँ साहब क्यों पूछ रहे? तो फिर सुबह 9:30 बजे चिन्मय पाटिल के गैराज पे तेरी गाड़ी खुद ब खुद चली गई थी धुलने के लिए।
आपका तीर एकदम निशाने पर लगा है साहब। ये दोनों ड्राइवर राजेश तिवारी और अजय देशपांडे की एक एक हरकत पता की है हम लोगों ने। और क्या पता चला दोनों के बारे में? राजेश तिवारी खुद तो क्लीन है साहब, लेकिन ये अजय देशपांडे, इसने 4 सितंबर की सुबह 9:30 बजे चिन्मय पाटिल के गैराज में अपनी गाड़ी क्लीन करवाई है। और ये चिन्मय और अजय दोनों दोस्त हैं साहब। और सर, स्पीड अप कैब सर्विस से हमने पता किया 4 सितंबर की दोपहर 3 बजे से पहले कोई बुकिंग नहीं ली थी अजय ने। और स्पीड अप कैब के रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि ज्योति ने एयरपोर्ट जाने के लिए कोई टैक्सी बुक नहीं की थी, राइट? यस सर। आप समझ गए कुलकर्णी, पहले इस चिन्मय पाटिल को उठाओ और बाद में अजय को। अब ये केस सॉल्व हो जाएगा। चिन्मय पाटिल। जी मैडम, मैं ही हूँ। 4 सितंबर को अजय देशमाने की गाड़ी तूने धोई थी? हाँ मैडम, वो हमेशा गाड़ी धुलवाने के लिए मेरे पास ही आता है, दोस्त है वो मेरा। आज तेरी धुलाई की बारी है, चल। हाँ साहब, खून के धब्बे थे गाड़ी में। और खून के धब्बे देखने के बावजूद तूने गाड़ी को धो दिया, पूछा नहीं उससे? नहीं नहीं साहब, मैंने पूछा था उससे। गाड़ी की बैक सीट पे खून का है। ये देख, अगर कोई लफड़ा रहेगा ना। अरे यार, कोई लफड़ा नहीं किया। अरे खून है, इसीलिए तो धुलवाने लाया हूँ, वरना अभी 2 दिन पहले तो धुलवाई थी गाड़ी। अरे लफड़ा नहीं है तो खून कहाँ से आया? सुबह सुबह बुकिंग छोड़कर वापस आ रहा था तो हाईवे पर एक का एक्सीडेंट हुआ था, अब उस बेचारे को अस्पताल लेके गया तो उसी का खून लगा होगा शायद। अरे मैंने पुलिस को रिपोर्ट किए, अब एक्सीडेंट करने वाला पकड़ा गया है नहीं वो पता नहीं है मुझे। साहब आप चाहिए तो उसको पूछ सकते कि मैंने उसको पूछा था कि नहीं और उसने बोला था कि नहीं। साहब आप ऐसा खाली पोकट मुझे मर्डर। खाली पोकट धोने से पहले तूने से पूछा कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, कहाँ हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया या नहीं करवाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं किया, पूछा ये सब? नहीं साहब, मैंने इतना सोचा नहीं था। साहब मेरे को लगा दोस्त है, झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलेगा, तेरी धुलाई तेरी गाड़ी से बढ़िया करेंगे, इतनी गारंटी देता हूँ। गलती हो गई साहब। अरे भैया सुनो ना, मुझे सुबह 4:45 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, आप आ जाओगे? वही आना जहाँ अभी ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ मैडम, आ तो जाऊंगा, लेकिन इतना सुबह थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा? 1500 रुपए लगेंगे मैडम। 1500? हाँ। 1000 ले लेना, 1000 बहुत है एयरपोर्ट के लिए। इतनी सुबह मैं घर से आऊंगा आपको पिकअप करने होटल बोरीवली, उसके बाद आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगा। अच्छा, इतनी सुबह अगर आपने एडवांस में बुकिंग की तो भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा ना, फालतू में टाइम जाएगा मैडम। मतलब वो गाड़ी टाइम पे आई नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है, 1200 ले लेना, पर आ जाना। ठीक है मैडम, आ जाऊंगा। मैडम आप कल सुबह थोड़ा चल के आ जाएंगी वो नाके तक? क्या है ना, सुबह अगर कोई गाड़ी लेके आया होटल में तो ना वो निकल पाएगा ना मुझे निकलने देगा, फालतू में टाइम खराब होगा और चेकिंग वेकिंग में भी टाइम जाएगा ना। अच्छा, जिस नाके से अभी हमने टर्न लिया वहीं पर आना है? हाँ वही, मैं ठीक 3:30 बजे पहुंच जाऊंगा, आप आ जाना। और मैडम, मतलब तो पहले से सोच के आया था कि मर्डर करना, इसलिए होटल के सीसीटीवी के बाहर बुलाया। मारा क्यों? वो दिखने में पैसे वाली हाईफाई लग रही थी, कपड़ा भी अच्छा पहनी थी। 1200 क्या, वो 750 बोलती तो भी मैं जाता, मुझे लगा अच्छा पैसा होगा उसके पास। मैं एक मौके की तलाश में था, गोरेगांव के पास पहुंचने तक उसकी आंख लग गई, मुझे मौका मिल गया, मैंने आरे की तरफ गाड़ी मोड़ी। पैसे कितने मिले? 3000 कैश निकला, वो 3000 के अलावा और कुछ नहीं मिला साहब। मैंने सोचा वापस जाकर घड़ी अंगूठी सोने वने का कुछ होगा तो निकाल लूंगा, पर फिर मैं डर गया, वापस गया और कोई आया तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसे देखकर तुझे लगा कि इसके पास बहुत कैश होगा? हाँ साहब, गाड़ी में वो साहब और मैडम डिजाइन विजाइन की कुछ 25-50 लाख की बात कर रहे थे, मुझे लगा
40-50 हजार तो होगा ही इनके पास। ज्योति के अलावा और कितने लोगों को मारा तूने और कितने लोगों को लूटा? नहीं नहीं साहब, और किसी को नहीं लूटा, और किसी को नहीं मारा मैंने। वो तो मैंने सोचा था इनको बेहोश करके लूट लूंगा और छोड़ दूंगा, पर वो मैडम जाग गई और गाड़ी में चाकू फ्रूट काटने के लिए रखता साहब। वो तो मैंने अपने लिए रखा था कि रात में कोई मुझे ना लूट ले। तुझे लूटेगा कोई? तुझे लूटेगा? हाँ? तुझे लूटेगा कोई? अजय देशमाने पर ज्योति शर्मा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 और लूटपाट के लिए आईपीसी की धारा 397 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, राधिका झा का केस सॉल्व हो गया है। राधिका मिल गई? हाँ, लेकिन कहा है ये नहीं पता। राधिका के पिता रमाकांत का कॉल आया था कि राधिका ने उनको कॉल करके बताया कि उसने शीला को नितिन और उसके पार्टनर से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। राधिका को जैसे ही पता चला कि उसकी सौतेली माँ उसको बेचने वाली है, वो घर छोड़ के भाग गई, लेकिन अब जहाँ भी है ठीक है। सुनकर अच्छा लगा कि नैना और राधिका दोनों सही सलामत हैं, पर ज्योति उसके साथ बुरा हुआ। ज्योति शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक था। इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं थी। वो बेचारी कैसे सोच सकती थी कि एक साधारण सा दिखने वाला टैक्सी ड्राइवर जो उसे होटल छोड़ने जा रहा था, वो रात में उसे मारकर लूटने की प्लानिंग कर रहा था। आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी वजह से मिलने वाले, आसपास घूमने वाले सभी लोगों को तो शक की निगाह से नहीं देख सकता। बेशक हम हर किसी को तो शक की निगाह से नहीं देख सकते, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप देर रात कहीं अकेले जा रहे हो तो अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपने दिमाग में कोई षड्यंत्र लेकर घूम रहा है, लेकिन यह पहचान पाना भी तो मुश्किल है ना कि किसके इरादे नेक हैं और किसके नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।